आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर कई लोग मुंबई आते हैं, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिलती। कुछ लोग बड़े पर्दे पर छा जाते हैं तो कोई गुमनामी के गलियों में खो जाते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई चेहरे ऐसे भी आए जो कुछ ही दिनों में गायब हो गए। कुछ गलत कामों में फंस गए तो कुछ को गलत जगह धकेल कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही एक्ट्रेस की जिसे नशेड़ियों के संगत में रहना भारी पड़ा। कंगना रनौत के साथ फिल्म रज्जो में काम कर चुकी कृतिका चौधरी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। उनके नशेड़ी दोस्त ने उनकी हत्या कर दी थी। कृतिका की मौत 2017 में हुई थी और उनका शव उनके घर में बुरी हालात में पड़ा मिला था। बताया जाता है कि उनका ड्रग्स का धंधा करने वाले लोगों के साथ संपर्क था और उन्हीं लोगों ने उनकी हत्या कर दी। कृतिका मुंबई में एक घर में अकेली रहा करती थी। पुलिस का कहना है कि उनकी मौत पूरी साजिश के साथ हुई थी। हथियारों ने उनकी हत्या करके घर का एसी चला दिया था। अगर शव सड़ भी जाए तो बदबू बाहर न आ पाए। जब 4 दिनों तक कृतिका घर से नहीं निकली और घर के आसपास हल्की हल्की बदबू फैली तो आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आकर दरवाजा तोड़ा और घर में देखा तो कृतिका की लाश पड़ी सड़ रही थी। उनकी मौत कैसे हुई किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। फिर सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए जिसके आधार पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनमें से एक का नाम शकील नसीम और दूसरा का नाम वासुदास था। दोनों से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने ही कृतिका को मारा। उन्होंने पहले कृतिका के साथ खाना खाया, फिर उनके बीच 6,000 रुपए के लेन देन को लेकर बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि उनमें से एक शख्स ने कृतिका पर हमला कर दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।